हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन इंडिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे स्कूल कॉलेजों के खोलने को लेकर आ रही बड़ी खबर के बारे में, जहां पर सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया और सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दिए, जिसके अनुसार 1 जुलाई से सभी स्कूल और कॉलेजों को खोल दिया जाएगा, लेकिन नए नियमों के साथ और बड़े बड़े बदलाव के साथ। दोस्तों, अभी हम आपको बताएंगे कि 1 जुलाई से किस प्रकार से और कैसे स्कूल और कॉलेजों को खोला जाएगा और किस प्रकार से 1 जुलाई से स्कूल और कॉलेजों के अंदर पढ़ाई होगी। दोस्तों, संपूर्ण जानकारी को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में दिख रहे घंटी के निशान को अवश्य दबाइएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे भी आपके काम की और इसी प्रकार की हर एक महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले देखने को मिले। और साथ ही दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि आपका सपोर्ट भी इस वीडियो को मिल जाए। दोस्तों, चलिए अभी हम देखते हैं कि देश भर में कैसे 1 जुलाई से सभी स्कूल और कॉलेजों को खोला जाएगा और कैसे 1 जुलाई से स्कूल और कॉलेजों के अंदर पढ़ाई होगी। तो दोस्तों, स्कूल कॉलेजों खोलने को लेकर बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी है, जहां पर 1 जुलाई से शिक्षकों को बुलाने की तैयारी में चल रही है सरकार। और HRD मंत्रालय यानी गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार ही खुलेंगे शिक्षण संस्थान यानी स्कूल और कॉलेज। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है स्कूल और कॉलेज के ओपन करने को लेकर, जहाँ पर हिमाचल प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में 1 जुलाई से यानी 1 जुलाई से शिक्षकों को बुलाने की तैयारी चल रही और अंतिम फैसला मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से होने वाली बैठक में लिया जाएगा। और इसमें गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार यहां पर खोलने की बात कही जाएगी और 1 जुलाई से ऑनलाइन पढ़ाई के लिए तैयार किए गए पोर्टल को ओपन कर दिया जाएगा। और 27 जून को मुख्यमंत्री शिक्षा विभाग के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और शिक्षकों के बुलाने के पीछे शिक्षा विभाग का तर्क है कि स्कूल बंद होने से कई तरह के कार्य लंबित है और बजट के बावजूद जो है सिविल कार्य नहीं हो पा रहे, और जिन स्कूलों को संस्थागत क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था उनको अभी तक सैनिटाइज भी नहीं किया गया। और दोस्तों, 17 मार्च से बंद शिक्षण संस्थान और कोरोना के खतरे को देखते हुए जो है हिमाचल प्रदेश और देश भर के जो है 17 मार्च से सभी शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया गया था और विद्यार्थियों की इसी कारण पढ़ाई प्रभावित हो रही है, लेकिन विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए स्कूल व कॉलेजों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करवाई गई है। हालांकि कई स्थानों में इंटरनेट की दिक्कत व अभिभावकों के पास स्मार्ट मोबाइल फोन न होने के कारण जो है 1 मार्च से बंद कर दिया गया है, लेकिन दोस्तों अभी जो स्कूल और कॉलेजों को खोला जाएगा और टीचरों की वापसी देखने को मिलेगी 1 जुलाई से, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई देखने को मिलेगी सभी बच्चों के लिए। यह बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। और इसके अलावा 1 जुलाई से स्कूल और कॉलेजों में नए नए बदलाव देखने को मिलेंगे और नए नियम लागू होंगे, जिसके बाद में स्कूल और कॉलेज 1 जुलाई से पूरे के पूरे राज्य में खुलेंगे और साथ ही देश में खुलेंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार से ये स्कूल और कॉलेजों के खोलने को लेकर आज की ताजा और बड़ी खबर निकल के सामने आ चुकी थी, जो कि खुशखबरी के रूप में निकल के सामने आ चुकी थी, क्योंकि दोस्तों 1 जुलाई से सभी स्कूल और कॉलेजों को खोला जाएगा और इसकी गाइडलाइन तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, यदि आपको ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी और पसंद आई है तो आप इस वीडियो को 1 लाइक कर दीजिएगा और साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने सभी भाइयों बहनों मित्रों के पास शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी ये संपूर्ण जानकारी देखने को मिल जाए। और साथ ही दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी अवश्य दबाइएगा, ताकि दोस्तों आपको आगे भी स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर आ रही बड़ी खबरों के बारे में संपूर्ण जानकारी सबसे पहले देखने को मिल जाए। तो दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम, और साथ ही भारत माता की जय।